हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोग का स्वागत है सिंपल लाइफ कॉर्नर में। और आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन की रेसिपी, जो कि बनानी काफ़ी आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है खोया। ये खोया हमारा घर का बना हुआ है। और इसके अलावा मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, थोड़ी सी इलायची, और इसके अलावा मैंने लिया थोड़ा सा मैदा। और मैंने ये चाशनी बनाने के लिए लिया है एक बाउल के करीब चीनी। तो मैंने चीनी और पानी को गैस पर रख दिया है। इसकी हम चाशनी बनाएंगे, और इसकी चाशनी हम एक तार की चाशनी बनाएंगे। बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ी नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, हमारी चाशनी भी बनकर तैयार हो गई है। और इसे बनाने के लिए मैंने खोए को एक थाली में लिया है। और ये खोया हमारा काफ़ी सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं ये घर का बना हुआ खोया है, काफ़ी सॉफ्ट है। तो इसी से हम बनाएंगे इसे। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सबसे पहले थोड़ा सा मैदा। मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा इसमें डालूँगी, और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसके अलावा मैंने इसमें बेकिंग पाउडर थोड़ा सा मिलाया है, और इसे हम देखिए अच्छे से मसल मसल कर इसे अच्छे से मिलाते हैं। लगभग 10 मिनट तक इसे मिलाइए अच्छे से। इसे अच्छे से मसलने से ये होता है कि गुलाब जामुन काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। तो इसे देखिए, मैंने इस आटे को गूँथ लिया अच्छे से, और ये काफ़ी सॉफ्ट है। तो इससे हम बनाकर देखेंगे कि गोलियां अच्छी बन रही हैं कि नहीं। गोलियां बनाते समय इसमें कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए। इसका मतलब कि हमारा जो गुलाब जामुन का ये जो बैटर है वो तैयार है। तो इसमें क्रैक्स नहीं पड़ रहे हैं, ये बिल्कुल बनाने के लिए तैयार है। तो चलिए हम बनाते हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन का शेप आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो मैंने इसे गोल गोल बनाया है, और इसे मैं एक डाल करके चेक कर रही हूँ कि ये फटता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा बना था, और ये बिल्कुल नहीं फट रहा था। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, और ऑयल में हम डाल रहे हैं ये गुलाब जामुन जो हमने बना के रखे हुए हैं। और गैस का फ्लेम बहुत हाई नहीं होना चाहिए, वरना ये ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। इसलिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारे जो गुलाब जामुन है वो गोल्डन कलर के हो गए हैं। हम इसे बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पका रहे हैं, हमारा जो फ्लेम है गैस का वो कम है, ताकि ये गुलाब जामुन अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो देखिए, ये हमारा गुलाब जामुन लगभग लगभग तैयार हो चुका है, और मैंने इसे चाशनी में डाल दिया है। ये मैंने पहले बना के रखा था, और ये भी देखिए भी बन रहा है। तो देखिए, ये चाशनी में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है, और बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन हमारे बनकर तैयार हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप इसे घर पे बनाना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और देखिए, हमारे गुलाब जामुन बनके बिल्कुल तैयार हैं। तो ये काफ़ी आसान है बनाना घर में, आप ज़रूर बनाकर खाएं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।